नमस्कार फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम ढोकले की मज़ेदार सब्जी बनाएंगे। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए एक बारीक कटी हुई प्याज, एक बारीक कटा टमाटर, एक चम्मच हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, हरा धनिया कटा हुआ, एक चम्मच कूटा हुआ अदरक मिर्च, एक चम्मच लहसुन की चटनी, एक बाउल छाछ और एक छोटी कटोरी बेसन। सबसे पहले हम बेसन में ज़रूरत के मुताबिक पानी ऐड करके उसका घोल बनाएंगे। पानी एक साथ नहीं डालना है, ज़रूरत के मुताबिक डालते जाना है। ढोकली बनाने के लिए हम एक बर्तन में एक चम्मच तेल डालेंगे। उसको गर्म होने के बाद उसमें आधी कटोरी पानी का छोका लगाएंगे। उसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, थोड़ी हल्दी पाउडर डाल देंगे, फिर उसको उबाल आने देंगे। उसके बाद हमने जो घोल ढोकली के लिए तैयार किया है उसको उसमें डाल देंगे और अच्छे से हिलाएंगे। उसको सतत हिलाना है ताकि उसमें गांठे ना पड़ जाए। उसे तब तक हिलाते और पकाते रहें जब तक कि वो गाढ़ा ना बन जाए। ये जब पैन को छोड़ दे तब समझना कि हमारी ढोकली बनके तैयार हो गई है। तेल लगाई हुई एक प्लेट में हम इसको डाल देंगे और अच्छे से इसको स्प्रेड कर देंगे। ठंडा हो जाने के बाद इसके हम टुकड़े कर देंगे। अब एक बर्तन में हम 3 चम्मच तेल डालेंगे। तेल गर्म होने पर उसमें राई डालेंगे। उसके बाद चुटकी भर हींग डालेंगे। उसमें हम प्याज डाल देंगे और अच्छे से हिलाएंगे। हल्दी पाउडर भी डाल देंगे, नमक स्वाद अनुसार भी डाल देंगे और अच्छे से हिलाते रहेंगे। मध्यम आंच रखनी है। बाद में उसमें लहसुन की चटनी भी डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर छोटा कटा हुआ टमाटर डाल देंगे और उसे पकने देंगे। थोड़ा पक जाए तो उसमें हम अदरक और मिर्च कूटा हुआ डाल देंगे, लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे और अच्छे से हिलाएंगे तब तक जब तक कि वो तेल ना छोड़ दे। फिर हम उसमें छाछ ऐड कर देंगे और उसे उबाल आने तक पकाएंगे। उबाल आ गया है। अब हम इसमें जो ढोकली हमने बना के तैयार रखी है वो धीरे धीरे करके डाल देंगे और उसे अच्छे से पकाएंगे 5 से 10 मिनट तक, ताकि सारे मसाले अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए। हमारी ढोकली की सब्जी बनकर तैयार है। अब हम इसे सर्व करेंगे। आप इसे रोटी के साथ या बाजरे के रोटले के साथ भी खा सकते हैं। इस पर हम कटा हुआ हरा धनिया डाल के इससे गार्निशिंग करेंगे। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।